कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही कंप्यूटर बाबा ने मंत्री पद की इच्छा जाहिर की है। मीडिया से चर्चा के दौरान कंप्यूटर बाबा से एक सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा है कि यदि प्रदेश सरकार मुझे मंत्री पद ऑफर करती है तो मैं इस बारे में जरूर विचार करूंगा, क्योंकि नर्मदा के संरक्षण के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। देखिए एमपी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। शिवराज सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा ठुकराकर भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले कंप्यूटर बाबा ने कमलनाथ सरकार से मंत्री पद की इच्छा जाहिर की है। जी हां, दरअसल कंप्यूटर बाबा मंत्रालय पहुंचे थे, जहां कृषि मंत्री सचिन यादव से उन्होंने मुलाकात भी की। उन्होंने मंत्री पद के ऑफर को लेकर कहा कि मंत्री पद को स्वीकारने से पहले वह अन्य संतों से इस विषय पर चर्चा करेंगे, इसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। नर्मदा के संरक्षण के लिए वह कुछ भी करने को तैयार हैं। साथ ही बताया कि वह पूर्व की शिवराज सरकार का काला चिट्ठा भी प्रदेश की कमलनाथ सरकार को सौंपेंगे। नहीं, नहीं, हमारा तो देखो, ये तो हम डिस्कस करते हैं, संतों के साथ बैठक करते तभी करते हैं। हमारा कोई वो तो था नहीं, हमने तो अध्यक्ष तो विचार करेंगे नर्मदा के लिए, नर्मदा नर्मदा साफ रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस दौरान उन्होंने प्रयागराज में आयोजित कुंभ में अव्यवस्थाओं पर योगी सरकार पर निशाना भी साधा। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी हो वहां के संत परेशान हैं, इससे अच्छा तो समाजवादी की सरकार में था। मुख्यमंत्री भले दावा करें एक साधु होकर के भी संत परेशान थे, इससे अच्छा तो आजम खान के जमाने में था। समाजवादी पार्टी जब सरकार थी तब आजम खान ने अच्छी व्यवस्था करी थी। एक मुख्यमंत्री योगी और एक संत होकर के हम संत बेहद परेशान थे। माध्यम से मैंने खबर भी पहुंचाना चाहे, पर इन्होंने किस ढंग से उसको रोकते थे वो ऊपर वाला जान सकता है। शौचालय व्यवस्था ठीक नहीं थी, जिसमें ना नल थे ना बाल्टी थी। यदि बाल्टी लेके हम अंदर जाते हैं तो अंदर जगह नहीं थी बाल्टी रखने की, तो सिर पर रखने का बाल्टी के सिर पर रखे बाल्टी तब शौचालय जाएंगे। दूसरा, राशन की दुकानें नहीं थी, होगी कहीं 100 में 1, नहीं तो हर खंड खंड पे दुकानें होती थी। कुल मिलाकर सत्ता परिवर्तन के बाद देखना होगा कि कमलनाथ सरकार कंप्यूटर बाबा पर मंत्री पद की मेहरबानी करती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।